अस्सलाम वालेकुम जी, काश्कार भाई, आज बात करते हैं आज मकई के हवाले से। मकई की फसल के अंदर से जो जड़ी बूटियां हैं, आपने किस तरह से उनका खात्मा करना है ताकि आपकी पैदावार भी अच्छी हो सके और आपकी फसल जो है वो बीमारियों से भी पाक रहे। तो इस हवाले से हम देख सकते हैं कि जो मौसमी मकई होती है, जब भारी मकई होती है, उसके अंदर जो है डीला, एडसेड वगैरह, जंगली हालों, कुल्फा, बाथू वगैरह, इस किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं वो हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपको जड़ी बूटियाँ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अच्छी मैनेजमेंट के जरिए से यहाँ पर जो है वो जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए जो है वो मुनासिब जो है स्प्रे की गई है। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के हवाले से कि जो कामयाब होती हैं, जिनकी वजह से मकई के अंदर जो है जड़ी बूटी ख़त्म होता है। तो ये देखते हैं और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी स्प्रे जो हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए जो है वो जड़ी बूटियाँ जो है वो मसला नहीं बनेगी। इस हवाले से हम सबसे पहले देखते हैं जी, फ्लिस्टो गोल्ड है जी। फ्लिस्टो गोल्ड सन ग्रो जो है वो कंपनी, उसकी ये प्रोडक्ट है। ये इसके अंदर मेस्टोराइन और एट्राजीन जो हैं वो जहरें होती हैं। ये मकई के अंदर जो है, याद रखें, कोई भी आपने स्प्रे करनी है तो मकई के अंदर वो तर बतर हालत में जड़ी बूटी की करें ताकि अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सके। इसके ज़रिए से जो है जी, जड़ी बूटियां तकरीबन तमाम किस्म की जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, उनका खात्मा मुमकिन होता है। ये आपको नया सवेरा वालों के तहफ़ जो है वो उसके प्लेटफॉर्म से मिल सकती है। और आपने जिसे टेंकी के अंदर जो है मुनासिब मकदार में जो होगी, जो लिखी हुई है, वही आपने डालनी है। यानी कि आपने जो जड़ी बूटियाँ हैं, दो तीन पत्ते आने पर आपने इसको डालनी है, स्प्रे करनी है। इसके अलावा गेंगवी है जी। गेंगवी बेसिकली जो है ये सिंजेंटा की प्रोडक्ट है और इसे के अंदर भी जो है ये एट्राजीन और मेस्टोराइन की वही मकदार तकरीबन मौजूद होती है जो फ्लिस्टो गोल्ड के अंदर होती है। यानी फ्लिस्टो गोल्ड और गेंगवी जो हैं वो तो समझें कि आप एक ही प्रोडक्ट है, आप दोनों को जो है वो अलग अलग जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल पहले छोटी जड़ी बूटी है तो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ्लिस्टो गोल्ड या गेंगवी दोनों में से किसी एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसके साथ साथ याद रखें कि द्वाल गोल्ड जो है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मकई की जड़ी बूटी ख़त्म करने के लिए। द्वाल गोल्ड जो है, इसके अलावा कपास और मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ जैसे प्याज है, मिर्च है, उसके अलावा कमाद है, उसके लिए भी अच्छा रिजल्ट रखती है, तो उनके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इडसेड वगैरह जो है, जैसे बाथू, कुल्फा वगैरह, जंगली हालों वगैरह जो है, ये आप गेंगवी और फ्रिस्टो गोल्ड के साथ भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन सख्त जान अगर डीला कर तंग कर रहा है आपकी फसल के अंदर, तो फिर आप द्वाल गोल्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। काशकार भाइयों, ये भी याद रखें कि द्वाल गोल्ड जो है ये भी सिंजेंटा की प्रोडक्ट है। और दो तीन पॉइंट हम याद रख कर लें कि एक तो आपने जड़ी बूटियों के खात्मे के लिए बरवक्त स्प्रे करनी है, दुरुस्त नज़र लेकर उसे स्प्रे करनी है, और ये भी कोशिश करनी है कि जो सही प्रोडक्ट है वही इस्तेमाल करें, ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें जो कि आपकी फसल के लिए नुकसानदेह हों।